रीट परीक्षा आयोजित होने वाली है, उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं आपको? कितने स्टूडेंट यहाँ बाड़ी उपखंड में पेपर देने आएंगे और कितने सेंटर बनाए गए, इन सब बारी व्यवस्थाओं के बारे में बताएं। रीट परीक्षा में बाड़ी उपखंड में 10 सेंटर्स बनाए गए हैं, इनमें 6 सेंटर तो बाड़ी शहर में ही है और 4 सेंटर बाहर है। एक सेंटर सिंगोरई है, एक सोनीपुर है, एक सिलाचौंध है और एक खानपुर के पास बॉयज कॉलेज बाड़ी है। इसमें लगभग एक पारी में 2500 के आसपास है और दोनों पारियों को मिला के 5000 स्टूडेंट की उपस्थिति रहेगी। इनके रहने करने का इंतजाम क्या किया गया सर? इनके रहने की व्यवस्था जो बाड़ी में स्थित जितनी भी सब धर्मशालाएं हैं या मैरिज गार्डन है, उनमें इनके निशुल्क आवास की व्यवस्था की गई है और समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से निशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। शहर से बाहर भी जो सेंटर बनाए हैं वहाँ पर छात्रों को पहुँचाने के लिए क्या इंतजाम किया गया? हमारा प्रयास यह है कि जो जो बाड़ी में आज आ जाते हैं स्टूडेंट, तो हम उनको उनके सेंटर के नज़दीक ही जहाँ उनके आवास की व्यवस्था की वहाँ आज हम पहुँचा देंगे। कुछ विद्यार्थी अपने साधनों से पहुँच रहे हैं, लेकिन जो सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से आएंगे और बाड़ी शहर में उतरते हैं, उनके लिए हमारे लोकल जो व्यवस्था रहेगी टेम्पो से या स्कूल बस से, इन सब ने व्यवस्था कर रखी है। हम लोग उन सबको वहीं पहुँचा देंगे जहाँ उनके सेंटर के नज़दीकी में हमने आवास की व्यवस्था की और वहीं उनके भोजन की व्यवस्था रहे। लोगों से, परीक्षार्थियों से कोई खास अपील आपकी? लोगों से ये अपील है कि बाहर के बहुत से लोग आएंगे तो अगर उनको कोई, वैसे तो हमने सभी जगह तमाम जगह साइनेज लगाए हैं, बैनर्स लगाए हैं, लेकिन फिर भी आम जनता का सहयोग तो अपेक्षित रहता ही है कि जो 5000 मेहमान हमारे शहर में आ रहे हैं उनकी हर संभव मदद की जाए। लोगों से ये अपील करूंगा कि उनको अतिथि देव भव वाली भावना के साथ उनका स्वागत करें। नकल को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास, कितने उड़नदस्ते, किस तरह से लड़ा जाएगा इससे इतनी भारी संख्या में छात्र परीक्षा की यहाँ आ रहे हैं? नहीं, नकल रोकने के लिए पूरे माकूल व्यवस्था की है प्रशासन ने। 22 के आसपास जो फ्लाइंग स्क्वायर्स बनाए गए हैं कलेक्टर साहब के द्वारा, इसके अलावा हम मेरी तहसीलदार जी की, BDO साहब की, इन सब की भी रूटीन रहेगी सभी सेंटर्स पे, पुलिस की चेकिंग भी रहेगी। मास्क पहन के आप अलाउ नहीं है, मास्क उनको अंदर ही मिलेगा। लेडीज़ जो अभ्यर्थी होंगे उनकी चेकिंग के लिए हमने एनक्लोजर लगाएं ताकि उनकी ढंग से सघन चेकिंग की जा सके, और मोबाइल किसी का भी अलाउ नहीं है। तो जहाँ तक हमारा प्रयास है कि बाड़ी में शांतिपूर्ण और स्वच्छ परीक्षा आयोजित हो। अगर किसी सेंटर पर कोई असामाजिक तत्व या कहीं कोई कार्य इस तरह का असामाजिक तत्व नकल कराने की प्रयास करता है या कहीं और कुछ करता है, तो आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे उसकी? तत्काल प्रिवेंशन की कार्रवाई की जाएगी, तत्काल गिरफ्तारी की होगी, और ऐसी किसी भी, अगर ऐसी सूचना किसी भी नागरिक के पास या किसी अन्य अभ्यर्थी के पास या आपके माध्यम से भी अगर आपको ऐसी कोई सूचना मिलती है कि इस तरह कोई अफवाह फैला रहा है या इस तरह की गतिविधियों में कोई संलिप्त पाया जाता है या उसकी आशंका भी है किसी को, तो उसकी सूचना तत्काल हमारे कंट्रोल रूम को दें, मुझे दें, CO साहब को दें, SS साहब को दें, तत्काल कदम उठाए जाए।